नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है। झारखंड की 81 सीटों के लिए चौंकाने वाले ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, किसकी बनेगी सरकार। जहां दोस्तों यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है और इनके अनुसार कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं और सोमवार को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार। इसके लिए कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की इसमें राय ली गई है। तो झारखंड में चुनाव खत्म होने के बाद सी वोटर और एबीपी न्यूज का ये सर्वे सामने आ चुका है। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जहाँ दोस्तों झारखंड की विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 81 विधानसभा सीटें हैं और सभी विधानसभा सीटों के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाए, वोट परसेंटेज आपको पहले दिखा देते हैं। बीजेपी को 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस जो गठबंधन है उनको 34% वोट शेयर जा सकता है और जेबीएम को यहाँ पर 8%, आरसू पार्टी को 7 और अन्य के खाते में 14% यहाँ पर वोट परसेंटेज जा सकता है एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार क्या आंकड़े बनते हैं झारखंड के लिए 81 सीटों के लिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी को 28 से 36 सीटें यहां पर जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के लिए 31 से 39 सीटें जा सकती हैं, जेबीएम को 105 सीट, आरसू पार्टी के लिए 307 और अन्य के खाते में 4 से 8 सीट यहाँ पर जा सकती है। तो ये झारखंड के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है और एग्जिट पोल के अनुसार अगर आपको आंकड़े दिखाए तो बीजेपी 37 से घटकर 32 सीटों पर आ सकती है। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 37 सीटें बीजेपी को 2014 में मिली लेकिन इस बार 32 सीटें बहुमत से पीछे रह रही है बीजेपी। लेकिन उनका नारा है 65 पार, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन के लिए 35 सीटें, मतलब सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन बनती आ रही है। वहीं जेबीएम की बात करें 3 सीट इनके खाते में जा रही हैं। आरसू पार्टी की बात करें तो 5 सीट इनको पहले भी थी और 5 सीट इस बार भी उनके खाते में जा सकती है, अन्य के खाते में 6 सीट जा सकती है। तो ये बड़ा यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आया है और इस एग्जिट पोल के अनुसार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है। और अब कैसे बनेगी झारखंड के अंदर सरकार, झारखंड में अगर बात करें तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका है और झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है। लेकिन झारखंड में कैसे बनेगी सरकार, सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी जो दल है, लेकिन पूर्ण बहुमत इनको भी मिलता नजर नहीं आ रहा है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार यहाँ पर 35 सीटें अगर जेबीएम इनको सहयोग दे और यहाँ पर अन्य के जो 6 यहाँ पर विधायक जीत रहे हैं उनके अनुसार तो 44 सीटें इनके खाते में जा रही हैं, तो इनकी सरकार बन सकती है। लेकिन चांसेस यहाँ पर बीजेपी के भी हैं, बीजेपी अपने दम पर 32 और यहाँ पर आरसू पार्टी पहले भी इनका समर्थन था लेकिन इस बार समर्थन होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 6 सीटें अन्य की, ऐसे में इनका भी जो टोटल है वो 43 पहुंच जाता है और 41 सीटों पर जो है सरकार बनाने का मौका मिलता है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से किसी को पूर्ण बहुमत अब तक मिलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये फाइनल जानकारी बिल्कुल नहीं है, फाइनल जानकारी आपको 23 दिसंबर को ही देखने को मिलेगी। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे ये सामने आया है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अपनी राय भी दे सकते हैं और नई जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।